फाइनली आप सभी को बता दें यहाँ पे मैच डे थ्री स्टार्ट होने वाला है कल के दिन, और आपको बता दें आज के दिन आपको सबसे यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है टीम सिलेक्शन करना है। आपको बता दें यहाँ पे डेट आप देख सकते हो, जो यहाँ पे मैच डे थ्री होने वाला है, मैच डे थ्री 3 जुलाई शाम को 6 बजे से होगा। तो इसके लिए आपको पहले चाहिए कि आपका जो फ्री फायर प्रो लीग ड्रीम टीम है उसको बनाना। तो इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने 2 डिस्कस वीडियो बना दिया है, तो उस वीडियो को अगर नहीं देखो तो जाके देख लो, उसमें काफी ज्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है और काफी सही तरीके से आपको सिलेक्शन करके बताया। और साथ ही आपको बता दें तेज स्पोर्ट जो चैनल है उस पर आपको बेस्ट एनालिसिस वीडियो देखने को मिल जाएगा, चाहे वो टीम लीड हो या कोई सा भी हो, आपको ये पता चल जाएगा। तो सिंपली इसके लिए करना कुछ नहीं है, यहाँ पे हम जाते हैं गोटू पे जाने के बाद आपको बता देंगे कौन से अपने टीम में आपको रखने चाहिए ताकि आपका प्रेडिक्शन अच्छा रहे और आप आराम से यहाँ पे अपना जो भी यहाँ पे बंडल है डे थ्री में चलते गए। डे थ्री में ये जो बंडल है स्टार क्रिस्टल वाला ये देखने को मिल जाए और ये पैराशूट का स्किन देखने को मिल जाए तो भाई बहुत ही अमेजिंग बात हो जाती है। और आप लीडर बोर्ड में नंबर 1 पे कैसे आ सकते हो ये भी बता देते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दें यहाँ पे काफी एक कमाल का ऐप है जिससे आप प्रेडिक्ट करके आप आराम से बहुत सारे अर्निंग कर सकते हो। जैसे आप प्रेडिक्शन लगाते हो और यहाँ पे आपका आईक्यू लेवल अच्छा खासा है तो आप यहाँ पे 9 गुना अर्निंग कर सकते हो। लाइक यहाँ पे 10 रुपए लगाते हो तो 90 रुपए, 100 रुपए लगाते हो तो 900, 1000 पे 9000, तो इस तरीके से आप अर्न कर सकते हो। तो यहाँ पे करना कुछ नहीं है, ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर डाउनलोड कर लेना। उसके बाद यहाँ पे अकाउंट बनाने के बाद आपको प्रेडिक्शन करना है और आपको बता दें स्मार्ट अर्निंग के लिए आपको करना कुछ नहीं है, लास्ट जो भी विनिंग नंबर लिस्ट है उसको चेक कर लेना, आप अच्छे खासे अर्न कर सकते हो। तो जाओ डाउनलोड करो, प्रेडिक्ट करो और विन करो। तो चलो अभी आगे बढ़ते हैं वीडियो में। सिंपली इसके लिए करना कुछ नहीं है, जो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर किया है वो आप आराम से सेलेक्ट कर सकते हो। और जैसे कि बताया था कि आप इलीट के बहुत सारे बंदे रख सकते हो, एक बंदे ने सवाल किया था कि भाई क्या हम टीम इलीट के सारे बंदे रख सकते हैं, तो यहाँ पे कोई भी मतलब ऐसा नहीं कि आप नहीं रख सकते भाई, आप चाहो तो एक टीम को ही पूरा यहाँ पे रख सकते हो आराम से, इसमें कोई भी यहाँ पे रोक टोक नहीं है, बट आप लोग आराम से एनालिसिस करके रख सकते हो। तो आपको तो जैसे आपको पता होगा टोटल गेमिंग ने यहाँ पे 1 मैच खेला है और इसकी परफॉर्मेंस अगर बात करें तो इस टीम की परफॉर्मेंस काफी मतलब बेकार गई थी, या गैलेक्सी रेसर की बात करें मतलब जिनसे उम्मीद था उतना नहीं हुआ, बट फिर भी अगर बात करें तो टीजी डिलीट और यहाँ पे जो माफिया वाला है भाई इनसे अभी उम्मीद है। और ये नेक्स्ट जो है यहाँ पे मैच डे थ्री होने वाला है कल के दिन, तो आपको बता देगा इस यहाँ पे बहुत ही कमाल करने वाले हैं डिलीट और यहाँ पे मेरे ख्याल से माफिया वाला। तो आपको बता देगा इस अगर आपने यहाँ पे डिलीट को चूज करके नहीं रखा है तो आप 6 नंबर पे टीम में आप रख लेना टीजी डिलीट को। और जैसे कि बताया था कि इंट्रो के टीम से आप यहाँ पे रख सकते हो कैब इंट्रो को, या एक और बंदा है जो कि यहाँ पे ओल्ड मैन उस इनको लिख सकते हो। तो मैंने तो यहाँ फिलहाल दोनों को चूज कर लिया क्योंकि दोनों का परफॉर्मेंस पिछले मैचों में काफी शानदार रहा है और पिछले कई मैचों में काफी शानदार रहा है और आगे भी होपफुली इनका बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस रहेगा। आइकोनिक की बात करें तो पिछली बार मैंने मैच डे 2 में मैंने आइकोनिक किया, सॉरी यहाँ पे इसमें नहीं है, यहाँ पे दूसरे फोन में है। तो यहाँ पे आपको बता दें मैच डे 2 में मैंने उन्हें सेलेक्ट किया था जिसके कारण मेरा पॉइंट बहुत ज्यादा हाई गया था। और आपको बता दें यहाँ पे बहुत सारे बंदे कमेंट किए थे कि यहाँ पे टायर 2 का टायर 1 का भी प्राइस बहुत सारे को मिल गया है, और एक बंदा तो यहाँ पे कहा था कि आपका ही देखकर मैं यहाँ पे और मैंने सारा का सारा दिन मैंने यहाँ पे बंडल क्लेम कर लिया। तो भाई बहुत अच्छी बात है कि कम से कम यहाँ पे किसी का हेल्प हो रहा है, तो होपफुली आप लोग भी यहाँ पे समझ जाओगे। तो आप आइकोनिक को यहाँ पे रख सकते हो या आप यहीं पे मतलब इनके ही जगह पे आप बहुत सारे हैं, जैसे आप जॉन्टी को भी रख सकते हो। इनका परफॉर्मेंस पिछले मैच में कुछ खास नहीं था लेकिन फिर भी सही था टीम के, क्योंकि ये एक टाइप से कैप्टन का रोल निभाते हैं तो इनको सब समझना होता है, तो एक टाइप से आप इनको भी रख सकते हो। और यहाँ पे आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा टी किलर जो कि बहुत ही कमाल के आपको परफॉर्मेंस देने वाले हैं डे 3 में, और पिछले बार में आपको देखने को मिला था। पहाड़ी की जगह पे आप चाहो तो यहाँ पे आइकोनिक भी रख सकते हो, या आप चाहो तो फैब इंड्रो भी रख सकते हो या पहाड़ी भी रख सकते हो। तो यहाँ पे 3 जो आपको ये दिख रहे हैं इन तीनों में से कोई किसी को भी आप कैप्टन बना सकते हो क्योंकि तीनों का परफॉर्मेंस काफी हार्ड जाने वाला है। और अभी तक का सबसे ज्यादा पॉइंट यहाँ पे ओल्ड बैंक का है, तो बहुत ही कमाल की परफॉर्मेंस था ओल्ड बैंक का जो कि यहाँ पे फाइव इंडोर की टीम से आते हैं। फिलहाल इनका नेम जो है यहाँ पे देख सकते हो, टीम का नेम बता देते हैं ताकि आप लोग को प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पे जो ये दिख रहा है TEZZ, तो इसी को आप इसी में आप जाओगे तो यहाँ पे आपको देखने मिल जाएंगे, यहाँ पे देख सकते हो FTX स्टोनर वगैरह और यहाँ पे ओल्ड मंक वगैरह सब देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ से भी आप सेलेक्ट कर सकते हो गाइस, और यहाँ पे आपको बता दे कि आप टीम इलीट के सभी बंदे को भी चाहो तो रख सकते हो, इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है। अब यहाँ पे मेन पॉइंट आता है कि जो यहाँ पे अपना ट्रिपल कैप्टन है इसका यहाँ पे यूज करना है कि नहीं। तो आपको बता दें अगर आपने ऐसा टीम सेलेक्ट कर लिया उसके बाद आपको यहाँ पे पावर ऑप्शन में से आपको ट्रिपल कैप्टन और साथ में अगर आपके पास 50 बोनस यहाँ पे 50 पॉइंट है तो आपको इसको भी यूज कर लेना है, बिकॉज आपको बता दें ये बंडल जो है बहुत ही कमाल का बंडल होने वाला है और इसमें आपको बहुत सारे बंदे यहाँ पे ट्रिपल कैप्टन और यहाँ पे 50 बोनस पॉइंट भी यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे कि यूज करेंगे। और आपको बता दें इसका जो रिडीम कोड मिलेगा वो आई थिंक यहाँ पे कल के लाइव स्ट्रीम पे देखने को मिलने वाला है, तो उसके बारे में भी बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे बात करते हैं अगर आपके पास अगर बचा हुआ ट्रिपल कैप्टन है तो यहाँ पे आप लोगों को यूज कर लेना है। सिंपली जैसे आप यहाँ पे टैप करोगे तो पीछे से यहाँ पे लाइटनिंग आ जाएगा ऐसे व्हाइट वाला, देख सकते हो मैंने यूज कर दिया है, मतलब मैंने ऑलरेडी यूज करके रखा है तो ऐसा आ जाएगा, तो आप मतलब यूज कर लियो। तो यहाँ पे
सिंपली आप लोग क्लिक कर देना अगर यहाँ पे आपको 100 शो कर रहा होगा तो। जैसे यहाँ पे देखो मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे आ गया, मतलब वापस आ गया, मतलब कि मैंने यूज नहीं किया। अब फिर से मैं क्लिक करूंगा तो पीछे से लाइट आ जाएगा, देख सकते हो लाइट आ गया, मतलब कि यूज हो गया। उसी तरीके से आप दोनों को यूज कर दो अगर आपके पास है तो, अगर एक है तो एक यूज कर दो। और जैसे आप यूज कर देते हो और अच्छा परफॉर्मेंस जाता है, जैसे पहाड़ी का अगर 30 होता है, 40 होता है, मान लो 40 होता है, तो आपका यहाँ पे टोटल यहाँ पे तीन गुना होगा, मतलब 120 पॉइंट केवल पहाड़ी का मिल जाएगा और बाकी सबका तो पॉइंट जोड़कर बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका पॉइंट हाई जाएगा और जिससे आपको स्टार पिस्टल बंडल जो है आपको काफी आसानी से मिल जाएगा। तो होपफुली ये समझ में आ गया होगा। और रिडीम कोड के बारे में बात करें तो गाइस कल के दिन, मतलब जैसे मैच एंड होता है तो आपको बता दें गाइस कल के दिन 8-9 बजे करीब में आपको एक वीडियो देखने को मिलेगा जिसमें मैच डे 4 के लिए रिडीम कोड देखने को मिल जाएगा। और गाइस हो सकता है कि उसी वीडियो में आपको रिडीम कोड भी मिले और साथ में मैच डे 4 में आपको कौन कौन से टीम के कौन कौन से मेंबर को कौन कौन से प्लेयर्स को रखना है ये भी पता चल जाएगा। और बाकी बात करें तो मैच डे 3 होने वाला है उसका बेस्ट एनालिसिस आपको तेजी स्पोर्ट में मिल जाएगा। तो जाके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को लाइक मार देना भर भर के, इसमें अगर 500 लाइक आ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो बस छोटा सा टारगेट रखे, टारगेट कंप्लीट कर देना। और जैसे आपको पता है कि यहाँ पे आ चुका है अपना जो भी है स्ट्रीट फाइटर वगैरह, तो इसके रिगार्डिंग कोई भी आपको इशू हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना, नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पे इसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो आप सभी को तो ये समझ में आएंगे आराम से यहाँ पे टोकन कलेक्ट करो। और यहाँ पे बस यहाँ पे केओ नाइट जैसा इवेंट है, केओ नाइट आपको पता होगा इसका पहले इवेंट आया था, फाइटर का ही इवेंट था वो भी, तो उसी के जैसा लाइक यहाँ पे सभी सभी इंटरफेस वगैरह है। और यहाँ पे देख सकते हो न्यू गन वगैरह आ गया, जो यहाँ पे न्यू गन किंग फिनिशर करके, तो ये बहुत अच्छी बात है। और आज के दिन पता है कि रैंक वगैरह सब यहाँ पे चल रहा है तो बहुत ज्यादा बंदे पूछ भी कर रहे होंगे, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो चलो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय एंड टाटा।